नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। यूपी लोकसभा चुनाव में इस बार एक नया चेहरा दिखा। हालांकि राजनीति के लिहाज से वो चेहरा नया नहीं था, लेकिन चुनाव प्रचार के लिहाज से नया था। नाम है अदिति यादव। अखिलेश और डिंपल यादव की सबसे बड़ी बेटी इस बार सुर्खियों में छाई रही। माँ जैसी सादगी, पिता जैसा तेज और दादा मुलायम जैसी मिलनसार अदिति यादव ने मैनपुरी में माँ डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। अपनी माँ डिंपल के लिए अदिति ने मैनपुरी में घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान अदिति अपने दादा मुलायम यादव के द्वारा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए कराए गए कामों को भी याद दिलाना नहीं भूली। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में प्रदेश में कराए गए विकास कार्य भी गिनवाए। ठाकुर जयवीर सिंह के जरिए समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट पर मुकाबले को अलग रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं अदिति यादव मां डिंपल के लिए इलाके की महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी बखूबी संभालते हुए नजर आई। अदिति इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी काफी फेमस है। अखिलेश और डिंपल यादव के तीनों बच्चों में से सबसे बड़ी 21 साल की अदिति यादव लंदन से पढ़ाई कर रही है। वो हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी में कभी माँ के साथ तो कभी उनके बिना प्रचार करती रही। इस दौरान उनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अदिति गांव वालों के बीच में पहुंचकर ग्रामीण महिलाओं के बीच जमीन पर बैठकर उनकी बात सुनते नजर आई। वहीं अदिति के प्रचार से डिंपल यादव को इलाके के लोगों का काफी सपोर्ट भी मिला। अदिति बड़े बुजुर्गों से वोट की अपील करती तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती दिखी। इस दौरान अदिति ने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर भी आवाज बुलंद की तो वे कई मौकों पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधने से भी पीछे नहीं रही। अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है तो अदिति भी अपने घर वापस लौट आई है। अदिति अपनी माँ डिंपल की तरह ही सादा रहना पसंद करती है। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सादगी ने लोगों को अपना मुरीद बनाया तो उनकी सादगी की हर तरफ चर्चा भी हुई। अदिति को देखकर मैनपुरी की जनता मुलायम सिंह यादव को याद करती दिखी, क्योंकि मुलायम सिंह भी अपने सहज भाव के कारण हर किसी से मिल लिया करते थे, किसी के घर भी पहुंच जाया करते थे। यही भाव लोगों को अदिति में नजर आया। उनका बालपन और व्यवहार सबको खूब भाया। अदिति यादव के मैनपुरी में एक्टिव होने की वजह से उनके पॉलिटिक्स में फुल एंट्री को लेकर भी चर्चा आम हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव 2027 से लोकसभा चुनाव 2029 में वे चुनावी राजनीति में उतर सकती है। लेकिन इससे पहले उनकी कोशिश मां डिंपल यादव के साथ चुनावी मैदान में उतरकर जमीनी स्तर पर राजनीति समझने की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर देखना ना भूले श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।